और मेरे भाइयों, क्या हालचाल है। मेरे रातों की नींद उड़ गई थी, बिकॉज मेरे रात में सोते वक्त ना एक ही दिमाग में गाना बजता था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और मेरे सपनों की रानी जो है वो फाइनली यहाँ पर आ गई है, और इसका करेंगे अनबॉक्सिंग। यार, ये सपनों की रानी को ना खरीदने के लिए ना मेरे को ना बहुत हद से ज़्यादा पैसे जो है ना देने पड़े, लगभग 50,000 रुपये मुझे इसको देने पड़े खरीदने के लिए। एंड मुझे पता है कि मुझे थोड़ा सा लेट यूनिट मिला है, बिकॉज ये जो है बैंगलोर यूनिट है, और मुंबई यूनिट जो है वो पहले मिल गया था मुंबई वालों को। सो यार, चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड लेट्स सी मुंबई यूनिट में, सॉरी बैंगलोर यूनिट में क्या खास है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से ना कुछ सीक्रेट चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ। यार, आप लोग ना इंस्टा पे, यूट्यूब के नीचे हमेशा एक ही चीज़ पूछते रहते हो, भाई तू 50,000 रुपये का फ़ोन खरीद कैसे लेता, इतनी तेरी अर्निंग होती है यूट्यूब से? ना, नहीं होती। ये तू आईपैड मिनी खरीद लेता, ये तू फोन्स खरीद लेता, ये इतने सारे पैसे लाता है कहाँ से? तो यार देखो, बहुत सिंपल बात है, मैं पैसे अपने जेब से डालता हूँ और मैंने काफ़ी सारे पैसे बर्बाद किए हैं। मतलब मैं सेविंग कर सकता था पर मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे प्रॉपर राइट वे कभी मिला ही नहीं सेविंग करने का। लेकिन आज मैं आप लोग को एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट ट्रिक शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप भी सेव कर सकते हो। मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए, लेकिन आप अभी करेंटली सेव कर सकते हो। मैं जिस ऐप के बारे में बताने वाला हूँ ना, इस ऐप को मैं पास्ट कुछ डेज से यूज़ कर रहा हूँ और लिटरली इसमें काफ़ी अच्छी खासी सेविंग होती है। और यहाँ पर सिर्फ मम्मी के साड़ी से पापा के बेल्ट तक हर चीज़ में सेविंग है मेरे भाई। बस अब जो मैं आपको बोलने वाला उसको डाउनलोड करके ट्राई जरूर देना, ठीक है? तो इस ऐप का नाम है कैश करो। तो दोस्तों, अभी आप लोग मुझसे पूछोगे कि यार ये कैश करो ऐप है क्या, तो मैं बता रहा हूँ ना भाई, ये ऑल इन वन सोल्यूशन है, ठीक है? मतलब आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है, ये IGO, मिंत्रा, इतने सारे एप्लीकेशन को रखने की जरूरत नहीं है, जबकि इस एप्लीकेशन के अंदर ही, कैश करो के अंदर ही मोर देन 1500 प्लस ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स अवेलेबल है, ठीक है? और इससे आपको जो भी बेनिफिट मिलता है, फॉर एग्जांपल जो भी पैसे आप कमाते हो सीधा आपके बैंक अकाउंट में डाल सकते हो, या फिर उसी को आप एज अ रिवॉर्ड की तरह यूज कर सकते हो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे। नहीं समझ रहे हो? बहुत ही सिंपल सा ट्यूटोरियल। फॉर एग्जांपल गाइस, मैंने कैश करो एप्लीकेशन का ओपन किया, जैसे ओपन करोगे ना आपको कितने सारे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पे ही, ठीक है? अभी समझो हमने सर्च बार में जाके अमेजोन सर्च किया, ठीक है, अमेजोन को जैसे ओपन किया आपको एक्टिव ऑफर का ऑप्शन मिल जाएगा, वो ऑरेंज कलर का जो है ना, उस पर जस्ट सिंपली एक बार क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे आप सीधा रीडायरेक्ट हो जाओगे अमेजोन के पेज पे। अब वहां से आपने फॉर एग्जांपल फोन खरीदे, रेडमी नोट 9 प्रो या कोई भी फोन आपने खरीदा, ठीक है, एज सून एज आप जो भी फोन खरीद के उसका पेमेंट कर दिए, ठीक है, सक्सेसफुली, आपको जो है माय अर्निंग सेक्शन में आपने कितने पैसे सेव किए आपको दिख जाएगा। अभी आप यहां से इसी चीज को आप डायरेक्टली फॉर एग्जांपल अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाके इसी चीज को, इसी जो सेविंग था आपका पैसे का, उसको आप एज अ रिवॉर्ड की तरह यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो साइकिल है कंटिन्यू चालू रहेगा और आप एवरी टाइम एवरी प्रोडक्ट पे आप सेविंग जो है करते रहोगे यार। और अभी नीचे लिंक जो है ना, मेरा लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे, अगर आप उस लिंक को यूज करके कैश करो ऐप को डाउनलोड करते हो यार, तो सीधा आपके वॉलेट में, कैश करो के वॉलेट में आपको 25 रुपीज का रिवॉर्ड ऑन इंस्टेंटली मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो यार जल्दी करो, जाके साइन अप करो। तो यार चलो अनबॉक्सिंग पे अब चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारा चाकू और ये रहा हमारा बर्थडे केक, इसको हम पूरा प्यार से काट देते हैं। वैसे भी मुंबई से बेटर इस बार मैं ब्लेड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मुंबई में हम लोग ब्लेड यूज़ करते थे और यहाँ पर जो है फिलहाल चाकू, और होप सो उसमें एक बीच जो बिल है वो उसके बीच में ना आए। सो इसको हम काट देते हैं इस तरह से, ओके ठीक है, और ये निकल गया भाई साहब। और इसके अंदर है हमारा ROG फोन 3, और ये जो है लास्ट ईयर से ज़्यादा एक्सपेंसिव है मेरे भाई। और गाइस एक और चीज़ मैं आप लोग को दिखा दूँ कि ये जो है खुद के पैसे से लिया गया प्रोडक्ट है, ठीक है, खुद के पैसे से लिया गया प्रोडक्ट है। तो प्लीज़ मत बोलना कि ये कोई भी हमको कंपनी आ देती है, अगर इतनी अच्छी नसीब होती तो मैं क्या ही बता देता आपको, ऐसे क्या 10 फोन मैं गिव अवे कर देता अगर कंपनी मुझे देती तो। सो या ऑब्वियसली चलो अभी इसका जो है केक काटते हैं और लेट्स सी, प्यार से इसको मैंने करके अब इसको खोल दिया जाए। तो शुरुआत में ही आपको ROG 3, भाई साहब ये ROG Phone 2 के डब्बे से ज़्यादा मतलब भारी है, ये तो शोर चीज़ है, मेरे को मालूम पड़ रहा है, काफ़ी हैवी है यार। वाओ, जस्ट लुक एट दिस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर दोज हु डेयर, ठीक है, मतलब अगर आपके पास 50,000 रुपये है तो डाल दो, इसका मतलब ये है, ठीक है, नहीं तो फट जाएगी खरीदने में। ऑब्वियसली गाइस इसके अंदर आपको कुछ ROG स्टाइल में सिम ट्रे मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा
लाइक यूनिक है। कलर इसके अंदर अपने को देखने को मिल जाता है कुछ पेपर वर्क, ठीक है, जैसे कि ROG 3 के कुछ पेपर्स, एंड ये जो है मैं अपने घर के बाहर चिपकाऊंगा डू नॉट डिस्टर्ब वाला टैग, ठीक है, बिकॉज मेरे घर पे कोई भी आ जाता है रूम में तो इसको मैं साइड कर देता हूँ। एंड इसके अंदर जो है आपको सिंपली मिल जाता है अपना केस, एंड आई फील कि जो लास्ट ईयर वाला केस था वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक फील देता था, ये वाला जो है काफ़ी ठीक ठाक है मतलब। और इसका भाव 2000 रुपये, मतलब क्या ही बोलूँ यार। ओके, अंदर आ जाते हैं मेन डब्बे पे, एंड ये रहा मेन डब्बा ROG Phone 2 फॉर फ्यू टाइम्स को जरा बाजू में कर देते हैं, और अंदर बॉक्स के अंदर हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको एक ऑडियो कन्वर्टर देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 30 वॉट का जो है फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है 30 वॉट का। एंड यहाँ पर जो मेरे पास ROG Phone 2 का जो मैंने अलग से परचेस किया था, उसका जो ये ऊपर का जो डिज़ाइन था ना वो काफ़ी सही था यार। ये जो है मालूम पड़ रहा है कि इन लोगों ने प्राइस कट काफ़ी अच्छे से किया है इस चार्जर में भी। सो बाकी कुछ है ज़रा देख ले, नहीं बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लगता है एक ज़माने पर हेडफोन हुआ करता था जो कि अब नहीं है। तो यार फ़ोन पर आते मेन, एंड फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा लग रहा है ROG Phone 2 को मैंने हाथ में पकड़ा है, इन हैंड फीलिंग सेम टू सेम ROG Phone 2 जैसा है, ठीक है। तो चलो इसको फर्स्ट बूट करके देख लेते हैं। नाइस। चलो गाइस मैं इसको क्विकली सेटअप कर लूँ, उसके बाद जो है हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चीज़ें कुछ इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलता है, तो ये जो है हमारे ROG के डब्बे में काम करेगा, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से आपको ऐसे कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा सेटअप के तुरंत बाद ही। तो उसको मैं ज़रा कंटिन्यू कर लेता हूं। और आपको बॉक्स में जो मिल जाता है ये फॉर एग्जांपल, मैं बहुत ही गंदा गेमर हूँ इसमें। तो गाइस ये रहा हमारा थोड़ा सा महंगा वाला सब्वे सफर 50,000 का। और गाइस यहाँ पर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो ये सेम टू सेम ROG Phone 2 जैसा ही है, बिल्कुल भी डिफरेंस मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। तो यार मैं पहले रिफ्रेश रेट डिस्प्ले में लगे देख लूँ कि कौन सा जो है सेट किया गया है यहाँ पर। एंड यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले की बात कर लूँ तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो कि है ऑटो पे, तो मैं इसको फिलहाल 144 कर देता हूँ, एंड लेट्स सी इफ आई फाइंड एनी डिफरेंस। फिलहाल तो इतना ऐप नहीं है इसमें। अगर अगर मैं इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सिंपली पावर बटन, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको दो वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाते हैं। ऊपर का जो सेक्शन एकदम ही क्लीन, लेफ्ट हैंड साइड में आपको हमारा वो मिल जाता है बेसिकली चार्जिंग पोर्ट। ऑब्वियसली यहाँ पर जो है आपको एक USB टाइप सी का कनेक्टर मिल जाता है, उसके बाजू में जो है कुछ एक्सेसरीज अटैच करने के लिए। ऊपर की तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर की तरफ आपको जो है सिम ट्रे देखने को मिल जाता है ऑब्वियसली, और नीचे की तरफ आपको एक और जो है टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर ये जो है मिसिंग है, ठीक है। और गाइस अगर मैं एक बार इस कवर को इसमें फिट करके दिखा दूँ तो ये कुछ आपको होप सो मैंने लास्ट ईयर उल्टा लगाया था, होप सो इस ईयर मैं सही लगा दूंगा, या लग गया। तो ये जो है कुछ इस तरह से दिखता है, एंड ओके है बहुत।
victory. तो वैसे ये रहा ROG Phone 3 और प्रीटी मच आपने इसका थोड़ा बहुत गेमिंग 90 FPS में देख लिया रहेगा एंड ओवरऑल ये डिवाइस जो है बहुत ही सही है और इसका जो कैमरा बम्प है ना ये बहुत बाहर की तरफ है जिसमें मेरा अभी जो है स्क्रैच ऑलरेडी आ चुका है. मतलब मुझे ऐसा फील होता ना इस दौरान ने बहुत मस्त प्लानिंग किया RGB जो उसका जो केस आता ना उसको बेचने का ताकि उसको आप खरीद के लगाओ क्योंकि मार्केट में इसका कोई थर्ड पार्टी कवर भी अवेलेबल नहीं है. और यार अगर मैं गिव अवे की बात करूँ जिसके लिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हो तो भाई देखो सुनो गिव अवे इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि देखो यार ये डिवाइस 50,000 रुपये का मुझे कंपनी ने नहीं दिया है और लिटरली मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं और मैं खुद ही फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा हद से मैं प्रॉब्लमेटिकली गुजर रहा हूँ. तो आप लोग मुझे भी हेल्प कर सकते हो और साथ ही साथ मैं इस फोन को गिव अवे नहीं करूँगा. मैं एक ब्रांड न्यू फोन को सीधा आपके घर पर भेजूंगा जो भी विनर रहेगा. लेकिन गिव अवे में करना क्या है मैं सिंपल बता देता हूँ. पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेकंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो बिकॉज जो भी रिजल्ट होगा वहीं पर आने वाला है. थर्डली आपको कैश करो ऐप पे साइन अप करना है विद द लिंक जो मैंने नीचे दिया है. ठीक है, जो लिंक मैंने दिया है जहाँ पर आपको इंस्टेंटली 25 रुपीज़ मिल जाएगा. लॉस कहाँ हो रहा है भाई, प्रॉफिट ही तो है, जो जाके साइन अप कर लो ना यार, दिक्कत क्या है. ठीक है, मुझे कुछ सर्टेन अमाउंट तक एक टारगेट अचीव करना है. एज सुन एज ये टारगेट अचीव हो जाएगा जिसमें मेरा भी कुछ हद तक प्रॉफिट हो एंड सीधी बात है कि भाई हो जाए तो भाई मैं घर पर आपके एक ब्रांड न्यू जो है आपको ROG Phone 3 भेज दूंगा और इसका अपडेट आपको इंस्टा पे मिलता रहेगा तो इंस्टा पे फॉलो कर दीजिएगा. गाइस इसका आईपैड मिनी के साथ बहुत जल्दी स्पीड टेस्ट, बहुत पबजी कंपैरिजन, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है यार. तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार, मिलता है अगले वीडियो में. टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय.